श्री अवध बिहारी चौधरी उत्तर मुद्रित है। अध्यक्ष महोदय, किया है कि सिवान जिला में दो दो चीनी मिल। अरे बढ़िए, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप लोग शांत रहे, स्थान ग्रहण करें। दो दो चीनी मिल एसकेजी सिवान, न्यू सिवान 85 से बंद पड़ा हुआ है, और वह जिला जो है वहाँ के केन बुरोइंग वहाँ के मिट्टी है, और पूर्व से तीन तीन चीनी मिल थे। मैं दो चीनी मिल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार बंद चीनी मिल को चालू कराना चाहती है? चाहती है तो कब तक? माननीय मंत्री, हमने उत्तर स्पष्ट दिया है कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य चीनी निगम की इकाई सिवान एवं न्यू सावन क्रमशः 1993-94 एवं 1991-92 से बंद है। इन दोनों चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना का निष्पादन मेसर्स विष्णु सुगर मिल लिमिटेड गोपालगंज एवं उत्तर प्रदेश की चीनी मिल मेसर्स बजाज हिंदुस्तान सुगर मिल प्रतापपुर द्वारा किया जाता है। बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई सिवान एवं न्यू सावन के जमीन को सरकार ने के निर्णय अनुसार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ब्रेडा को हस्तांतरित कर दिया गया है। यदि कोई निवेशक इन मिलों को चालू करना चाहते हैं तो सरकार जरूर उस पर विचार करेगी। महोदय, किसान को नियरेस्ट पॉइंट पर सुविधा मिलनी चाहिए। जब ऑलरेडी वहां पर दो दो चीनी मिल है, जिसका आज भी सारे उसके आधारभूत संरचना वहां पर है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सिवान के जो किसान है, गन्ना उत्पादक है, क्या अपने गन्ना को वो उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर ले जाएंगे? मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार अगर उद्योग लगाने के प्रति सजग है तो क्या सिवान में दो दो चीनी मिल जिसके जमीन भी है, उसके और इंफ्रास्ट्रक्चर उपस्थित है, उसको सरकार चालू करना चाहती है? कब तक चालू करना चाहती है, ये मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। महोदय, हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो निवेशक आएंगे, जो इन्वेस्टर आएंगे चीनी मिल चालू करने के लिए, उन इन्वेस्टर को सरकार सहयोग करेगी और ब्रेडा के माध्यम से वह जमीन उनको आवंटित कराएगी, और वहां चीनी मिल जो लगाने वाले इन्वेस्टर आएंगे उनको सहयोग करेगी और चीनी मिल लगवाने का काम करेगी। महोदय, प्रक्रियात्मक कार्रवाई के बारे में बोल रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि चीनी मिल सरकार वहां चालू करे, वहां किसानों के सुविधा दे। जो गन्ना उत्पादक है, ब्रेडा को दे दिया गया है, निवेशक आएंगे। मैं निवेशक नहीं हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे बात को सुना जाए। इसलिए चीनी मिल को चालू करने के दिशा में आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, एक स्पेसिफिक समय बतलाएं कि कितना दिन में चीनी उद्योग, चीनी कारखाना वहां स्थापित पुनः करेंगे। ठीक है महोदय। अब आओ, ये 91-92 और 93-94 से ये दोनों मिल बंद है, और उस समय जो सरकार थी उसमें आप माननीय मंत्री भी रहे। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हम थे नहीं थे, क्या है क्या नहीं थे। अभी वर्तमान में आप सरकार में हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हुआ था कि सरकार बनेगी तो बंद चीनी मिल को चालू किया जाएगा, और नए चीनी मिल की भी आवश्यकता होगी तो लगाया जाएगा। मैं कोई ऐसे बात को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि चीनी मिल लगाने के दिशा में सरकार कब तक कार्रवाई करना चाहती है, मेरा प्रश्न स्पष्ट। आपका तीन पूरक प्रश्न हो गया, पीछे एक पूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़े हैं। आपको बहकाइए नहीं, माननीय सदस्य है, विषय है, आप बड़ी सदस्य हैं। एक तीन प्रश्न हो गया, एक पीछे है पूरक प्रश्न के लिए, बोलिए जवाब।
ये भी पूरक पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए साथ में ही दे देंगे। अब चुनौती मत दीजिए। मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं श्री अवध बिहारी चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि ये इनकी कारगुजारी थी 1993-94 में और 91-92 में, इनकी कारगुजारी में चीनी मिल बंद हुआ जो इन्होंने निगम बनाया था। और महोदय सरकार जो है चीनी मिल जो है लगाने का काम नहीं करती है, इन्वेस्टेड। जवाब होने दीजिए, जवाब होने दीजिए पहले। हमने स्पष्ट किया है महोदय, जवाब के बाद आप पूरा करेंगे ना। महोदय सुनने का प्रयास करें, इनकी कारगुजारी को हम ढो रहे हैं और सरकार चीनी मिल नहीं लगाती है। जो निवेशक आएंगे उनको हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे, वो चीनी मिल लगाएंगे। इनकी कारगुजारी को महोदय हम ढो रहे हैं, ये मेरी कारगुजारी नहीं है। ये जो बंद कर दिए उसको हम ढो रहे हैं, ये नहीं चला सके तो निवेशक आएगा उसको चलाएंगे। माननीय मंत्री बताइए। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि सिवान सहित बिहार के कई चीनी मिल को बंद किया गया, बंद हुआ, उसके बाद उद्योगपतियों को देने का सरकार ने निर्णय लिया, तो एक टेंडर प्रक्रिया हुआ जिसमें देश के कई उद्योगपतियों ने बिहार के कई चीनी मिलों के पर 10% की राशि दे करके पिछले 10 वर्षों से अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया है। आप जानना क्या चाहते हैं? ये कि जिन उद्योगपतियों ने बंद चीनी मिल की जगह पर दूसरा उद्योग लगाने के लिए कार्य प्रारंभ करने हेतु 10% की राशि दी पिछले 10 साल से, उसके बाद क्या प्रोग्रेस है अब तक? ये उनका रद्द कर दिया गया या फिर? सभी खबरों पे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।